हे एवरीबदी आई एम रिच एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू योर वेरी ओन परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका हाईली डिमांडेड और मच अवेटेड टॉपिक आ गया है विच इज़ डैंड एंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान बहुत मजा आने वाला है आज क्लास पढ़ने में और मैप्स इस्तेमाल करेंगे सारे स्टेट्स के नेशनल पार्क यूनियन टेरिटरी के नेशनल पार्क याद करने में निमोनिक टेक्निक जो कि बहुत मज़ेदार होती हैं इंटरेस्टिंग सी इजी सी निमोनिक टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और Uh, उससे पहले चैप्टर पूरा शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन बनता किस तरह से और उससे भी पहले हम ये स्लाइड चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ एक ठीक ठाक दिखने वाली लड़की दिख रही है और यहाँ अभी आई एम एक्चुअली नॉट लुकिंग गुड आफ्टर कोरोना डेज एनी चलिए खा खा के हम बहुत मोटे हो गए बिकॉज खाना था और सोना था कमिंग बैक टू द पॉइंट क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं देखो आपको या तो कोई भी एक नेशनल पार्क दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका स्टेट या यूनियन टेरिटरी बताइए या फिर आपको कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एनिमल या बर्ड जो कि सिर्फ उसी नेशनल पार्क में मुख्य रूप से पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है उसका नाम दे दिया जाएगा आपको नेशनल पार्क बताना रहेगा या फिर कोई और बहुत कोई पिक्युलर फीचर है जैसे कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा था सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था सबसे छोटा कौन सा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो वो पूछा जा सकता है ठीक है सिंपल फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं कुछ अंदर से खोद खाते

तो क्वेश्चन समझ में आगे किस तरह से फ्रेम होंगे उसी तरह से हम पढ़ते चलेंगे अब शुरू करें ओके okay. उससे पहले आपको इंस्टा पे आज एक क्वेश्चन थ्रो किया गया होगा फॉर जोग्राफी के भारत में टोटल कितने मरीन नेशनल पार्क हैं यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आई होप आपने सही आंसर दिया होगा आंसर करेक्शन मैच करने को यहां मिल जाएगा ठीक है चलो अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे बहुत जल्दी से इसको खत्म करके और फिर अपन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लिस्ट पे आ जाएंगे ठीक है चलो पूरा एंड तक वीडियो देखना अगर पूरे uh, चैप्टर का बेनिफिट लेना है तो बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ढंग से वीडियो देख लिया तो मेरे हिसाब से चैप्टर आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा दिक्कत नहीं आएगी आपको और फाइन सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट अब सबसे पहले कि नेशनल पार्क होता क्या है वॉट इज अ नेशनल पार्क तो सारा पढ़ूंगी नहीं समझाती चलती हूँ लिखा इंग्लिश में बडाइल एक्सप्लेन इन हिंदी देखो कोई भी एक ऐसा एरिया नेशनल पार्क बनाया जा सकता है जो कि वो सारे नियम कायदे फॉलो करता हो जो कि सेक्शन 35 फाइव फोर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिए गए हैं भारत का पहले कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था 1972 से पहले 1972 में भारत ने अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और उसके बाद नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज और इन सब चीजों का इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है अभी हम देखेंगे ठीक है तो इस एक्ट के सेक्शन 35 फाइव फोर के अनुसार जो भी एरिया उन क्राइटेरिया को मीट करता है उसको नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है पैंतीस चार तो देखो हम जीव जंतुओं को बचाने के लिए बहुत से पैंतरे अपनाते हैं कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं तो पैंतरे से पैंतीस याद रख सकते हो ओके okay? और जिन लोगों को फोनेटिक पता है जिन्होंने थोड़ी बहुत फोनेटिक अटेंड की है थ्री के लिए एम एल फाइव के लिए थर्टी फाइव और ये इसमें डाल के मेल तो आपको एक चिट्ठी आई है कि इन इन क्राइटेरियाज पे आप नेशनल पार्क बना सकते हो तो अगर आपको वो पता है वेरी गुड मेल से एसोसिएट कर लो थर्टी फाइव नहीं तो पैंतरे से कर लो नहीं तो सीधे कर लो है ना एक सेक्शन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैंतीस चार ठीक है नाइनटीन सेवेंटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का चलो अब होता क्या है नेशनल पार्क ये तो हो गया कि इसके तहत आप उसको घोषित कर सकते हो नॉ वॉट इज नेशनल पार्क बेसिकली एक प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट होती है कीवर्ड्स पे ध्यान देना क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है नेशनल पार्क क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है टाइगर रिजर्व क्या होता है बायसपर रिजर्व क्या होता है आज के वीडियो में डिफरेंस क्लियर नहीं करूंगी इसके लिए अलग से एक छोटा सा माइक्रो मिनी सा वीडियो लेकर के आ जाएंगे पर अभी सिर्फ नेशनल पार्क पे फोकस करो नेशनल पार्क नेचुरल हैबिटेट को ही संरक्षित करना होता है एक जंतु जहाँ रह रहा है उसके आसपास के पेड़ पौधे वहाँ का वातावरण वहाँ जितने भी और ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको उन्हीं के एरिया में उन्हीं के इलाके में उन्हीं की हैबिटेट में संरक्षित करना उसको नेशनल पार्क कहा जाता है ठीक है कौन करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं लेकिन किन के या कायदों के हिसाब से करती हैं आई IUCN एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि यू नो रेगुलेट करती है या सुचारू रूप से चलवाती है ये सारा काम के जितने भी नेचुरल कंजर्वेशन के काम होने चाहिए वो किस तरह से होने चाहिए IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसके रेगुलेशन के तहत सारा काम चलता है और ऑफकोर्स हमारी जो एक्ट है वो तो है ही अब नेशनल पार्क के अंदर बेसिकली एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गेंडे को बचाने के लिए कुछ काम करूँ या मैं सिर्फ टाइगर को बचाने के लिए काम करूँ नहीं वो जो पूरा वातावरण है जहां पे वो जानवर रहता है उसको पूरे को संरक्षित किया जाता है जिसमें फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे फोना जीव जंतु लैंडस्केप जो भी भूमि टाइप का है एटसेट्रा एनवायरमेंट सब कुछ आ जाएगा ठीक है नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्शन है जो प्रोटेक्शन दिया जाता है उस पूरे एरिया को बहुत हाई डिग्री का होता है ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है जैसे आप नेशनल पार्क का भी घूमने जाते हो आप बोलो कि मैम आप बोल रहे हो इंसान नहीं जा सकता पर हम तो जाते हैं नेशनल पार्क घूमने तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक आप जा सकते हो एक एरिया के बियॉन्ड आपको नहीं ले जाते ना वो इसीलिए है क्योंकि नेशनल पार्क में बहुत रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और कहाँ तक होगी कितनी होगी वो भी नियम कायदों के हिसाब से होती है ठीक है तो यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई राइट चलिए आगे बढ़ते हैं बस ये और थ्योरियां इसके बाद सीधे क्वेश्चन क्वेश्चन ये इसलिए जरूरी है एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज पढ़ो तो समझना भी जरूरी है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ना हालांकि इसमें से भी एग्जाम में से निकलेंगी चीजें चलो सो so, अगर हम डेफिनेशन की बात करें किसी भी चीज़ की परिभाषा की बात करें तो पूरा पढ़ूंगी नहीं ये नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे एज इट इज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ सेम पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वरना रोक करके स्क्रीन ले लो बाद में पढ़ लीजिएगा जैसे भी करना है ओके okay? अब ये देख लो ये सारी डेफिनेशन है वही है जो मैंने समझाई कि एक एरिया जो कि सैंचुरी हो चाहे नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन Uh, अगर स्टेट uh, गवर्नमेंट ने उसको नेशनल पार्क बनाया है तो बहुत सारे रीजन होते हैं इकोलॉजिकल फ्लोरा फ्लोराफोना जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वगैरह को देखते हुए प्रोटेक्ट और उसको डेवलप करने के लिए उस एरिया को डिसाइड किया जा सकता है ठीक है अब देखो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमानेंट परमिटेड एक्सेप्ट अब इसमें एक्सेप्ट यानी कि कुछ एक एक्सेप्शन है है ना वो क्या एक्सेप्शन है परमिट कौन कर सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट कर सकता है कि कितनी एंट्री होगी कितनी नहीं होगी रेस्ट्रिक्टेड होगी अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन इन चैप्टर फोर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये इंसान भी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा ऑफ द स्टेट वो भी गाइडेड किससे होगा हमारे एक्ट में दी हुई बातों से ही गाइड होकर के और वो डिसाइड करेगा कितनी एंट्री होगी कितनी नहीं होगी ठीक है चलिए अब जो मैं आपको बता रही थी ना हमारे पास जब तक डब्ल्यू था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नहीं था तब तक देखो 1970 तक केवल पांच नेशनल पार्क थे इंडिया में और 1972 के बाद आज की अगर बात करें तो 104 सौ हाँ कितने नेशनल पार्क हैं सिर्फ नेशनल पार्क बोल रहे हो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाओगे तो अथाह हैं हाँ सो 104 सौ नेशनल पार्क्स हो गए हैं सो इजाफा हुआ है और एक्ट बनने से इसलिए फायदा होता ही होता है यहाँ तक की कथा कहानी समझ में आ गई अब हम चलते हैं प्योरली एग्जाम बेस्ड चीज़ों पे जिन पे सवाल बनते हैं हाँ ये अब जो दो स्लाइड्स आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी ऐसी छटी हुई बातें हैं ओवरऑल इंडिया के बारे में सबसे पहला नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क एक्सेट्रा तो हर एक पॉइंट को हमें पकड़ते चलना है याद करते चलना है सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ कहाँ पहुंच गए हम एम सो सॉरी चलिए फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया हैले नेशनल पार्क कौन सा है सबसे पहला नेशनल पार्क हैले नेशनल पार्क आज के टाइम में बात करूं तो ऐसा कोई नेशनल पार्क नहीं है क्योंकि पुराना नाम था ये आज के टाइम में इस नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है है ना दिल्ली के पास भी पड़ता है सो हैले नेशनल पार्क लेकिन नाम उस समय क्या था इस नेशनल पार्क का हैले नेशनल पार्क था सो हैले नेशनल पार्क नाइनटीन में बना ईयर वैसे पूछा नहीं जाता पर इन्फॉर्मेशन के लिए हमने डाल दिया है 1936 में हेले नेशनल पार्क बना इसको और किस नाम से जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ठीक है अब देखो पहली बार किसी से मिलते हो तो हेलो हेलो करते हो जैसे मैं भी बोलती हूँ हेलो फ्रेंड्स सो so, हेलो और पहली बार जो नेशनल पार्क बना वो हेले ठीक है हेलो हेले याद रहेगा और आज का नाम क्या है जिम कॉर्बेट बहुत फेमस है याद करने की जरूरत नहीं है चलिए नेक्स्ट लार्जेस्ट इन इंडिया सबसे बड़ा नेशनल पार्क ही, सबसे पहला था सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क कौन सा है है मिस है मिस नेशनल नेशनल पार्क पार्क यह है लद्दाख में आज की बात करें तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर ही पड़ता है ले में ठीक है और 4,400 स्क्वायर फोर हंड्रेड स्कोर किलोमीटर फोर्टी फोर हंड्रेड किलोमीटर में फैला हुआ है और ये हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है यहाँ मैंने लिखा नहीं आई थिंक लिख देते हैं हाई ऑल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पर है ना कुछ आ, कुछ नेशनल पार्क काफी ऊंचाई पे बने हुए होते हैं जैसे हिमाचल में अभी आएगा तो मैं बता दूंगी सिक्किम में आएगा तो मैं बता दूंगी ये काफ़ी ऊंचाई पर बने हुए हैं इसलिए इनको हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी बोलते हैं और ये ना सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ठीक है और लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है और वो सबसे बड़ा है तो पिक्यूलियर है याद रहेगा कौन सा है लार्जेस्ट है मिस नेशनल पार्क हाँ और यहाँ के स्नो लेपर्ड बहुत फेमस हैं अभी देखेंगे सारी चीज़ें चलिए अब आते हैं स्मॉलेस्ट पे इसका कोई ट्रिक टेक्निक नहीं दे रही हूं हम इसका कुछ कुछ चीजें सीधे याद रखेंगे क्योंकि हर चीज के लिए ट्रिक लेने लग गए तो खिचड़ी बन जानी है पक्का हाँ चलो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है अंडमान निकोबा एंडमान में साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कौन सा साउथ बटन आइलैंड अब देखो अंडमान में नॉर्थ बटन भी है मिडिल बटन भी है साउथ बटन भी है इसलिए पर्टिकुलरली साउथ बटन ध्यान रखना है सबसे जो साउथ में नीचे वाला बटन होता है ना हमारी शर्ट का वो छोटा सा एडिशनल बटन वो ध्यान रख लो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इज साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है छोटू सा ओके अब स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है आंसर है मध्य प्रदेश हाँ मध्य प्रदेश बहुत सारा जंगल एरिया है और आ, वहां की जलवायु इस तरह की बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहां पे पनपते हैं सो so, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया नेशनल पार्क यहाँ पर है मध्य प्रदेश में है कितने हैं ग्यारह कितने हैं ग्यारह कोई विरोधाभास नहीं है इसमें नौ नहीं है दस नहीं है ग्यारह हैं और ये हैं और जो लेटेस्ट एडिशन है सबसे आ, हाल ही में मतलब कुछ टाइम सालों पहले हुआ है वो है क्यूनो नेशनल पार्क का ओके कोई दिक्कत यहां तक फाइन हर एक चीज याद होती जा रही है बिकॉज हर चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चलिए मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया और इसी के साथ आपसे जो इंस्टा पे क्वेश्चन किया गया था कि हाउ मेनी मरीन पार्क इन इंडिया आंसर इज सिक्स जिस जिसने ये आंसर दिया वो आप विनर हैं और आपके लिए तालियां बजनी चाहिए और कुछ नहीं मिल सकता अभी सो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इंडिया का यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है उसका नाम ही मरीन नेशनल पार्क है ठीक है मरीन नेशनल पार्क क्योंकि पहला था कुछ और नाम सुझा नहीं होगा तो यही रख दिया मरीन नेशनल पार्क कहा गल्फ गुजरात में देखो यहाँ पे बहुत सारी जब वो ज्वारपाठा वाला सिचुएशन आता है ना तो जब पानी उतरता है तो नीचे का सारा दिखता है वहां का नेशनल पार्क में जो जो भी बायोडाइवर्सिटी थोड़ी बहुत होती है ना वो सब दिखती है ठीक है सो मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात याद रहेगा गुजरात का वो शेर का मुँह जैसा दिख गया वहां पर गल्फ ऑफ कच्छ और टोटल इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं छह नेशनल पार्क्स हैं ओके चलिए अब बात करते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ है जमीन पे नहीं है पानी के ऊपर तैरता है फ्लोट करता है और कई बार हम पढ़ चुके हैं लेक्स में हमने पढ़ा था माउंटेन्स में इसका हमने कहीं ना कहीं मेंशन किया था जब हम नॉर्थ ईस्ट साइड पढ़ रहे थे आंसर इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और ये कहाँ है मणिपुर मणिपुर में है और तैरता हुआ है तो बहुत से लोग देखने आते होंगे बहुत पैसा कमाते होंगे तो मणिपुर मणिपुर में लोकटक लेक पड़ी थी ना ये पिक्चर भी है लोकटक लेक के ऊपर और ये डिपोजिशन हैं अलग अलग घास मिट्टी और इन सब चीजों के तो केबुल लाम जाओ के बोलो हो सच में तैरता हुआ नेशनल पार्क हाँ के बोलो के बोलो तो केबुल थोड़ा बहुत कीड़ा मेड़ा बोलेंगे ना तो अच्छा मजा आएगा बोलो मेरे साथ के बोलो भाई सच में हाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क नीचे जमीन ही नहीं है नहीं बुल से केबुल लामजाओ नेशनल पार्क चलो मूविंग ओवर टू मैंने क्यों बनाई है ये स्लाइड देखो ये ना एक बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है बच्चों के अंदर जब उनको एक सही आंसर नहीं मिलता है ना कुछ टीचर कुछ बताते हैं कुछ टीचर कुछ बताते हैं कोई बुक कुछ बताती है कोई आ, साइट कुछ बताती है तो जब वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता ना मेरे जैसे लोग बहुत परेशान होते हैं फिर हम बहुत डीप रिसर्च करते हैं और तब ऐसी कोई स्लाइड तक हम पहुँचते हैं जो हमने कंपाइल की है तो ये क्या है कि भाई एक आ, मुद्दा निकला था कि रुडयार्ड किपलिंग ओफ ओ रुड किपलिंग की एक किताब है जंगल बुक जिसमें मोगली आता है बलू आता है भगीरा आता है शेर खान आता है ठीक है सो वो कौन से वो, वो ये मान, मान, माना जाता है कि भाई इंडिया में किसी नेशनल पार्क को उन्होंने विजिट किया रहा या फिर इंडिया के किसी बंदे ने विजिट किया होगा उसने बताया होगा उस बेस पे उन्होंने वो किताब लिखी है तो वो किताब कौन से नेशनल पार्क पे बेस्ड है कान्हा पे है या पेंच पे है ये पेच उलझ जाते हैं आधे जनता बोलती है कान्हा पे है आधी जनता बोलती है पेंच पे है या तो दोनों ही सही है या तो दोनों ही गलत है ठीक है क्योंकि इसका सही आंसर नहीं निकल पाएगा रीजन बताती हूँ मैं देखो कुछ बड़े बड़े चैनल्स भी जैसे कि बीबीसी है ना जैसे कि इंडिया की बात करें तो डीएनए है ना ये मानते हैं कि ये जो जंगल बुक है ये कान्हा टाइगर रिजर्व पे बेस्ड है है ना ये भी ये मानते हैं कि जो जंगल बुक है ये कान्हा टाइगर ये कान्हा नेशनल पार्क पे बेस्ड है वहीं पे बहुत से और पब्लिकेशन मैंने तो सिर्फ एक दो ही लिए हैं क्योंकि स्लाइड में आप कितना डालोगे अब अगर आप खुद के नेशनल पार्क की भी बात कर लो जो पैंस नेशनल पार्क है उसने अपने बिल्कुल मेन गेट पर ही मोगली लगा रखा है इसने अपने लेकिन इंट्रोडक्शन में भी ये लिखा है के कान्हा नेशनल पार्क को भी माना जाता है कई जगहों पे रोडियार्ड किपलिंग की बुक का आ, इंस्पिरेशन ठीक है तो ये पेंच खुद बोल रहा है कि मैं हूं लेकिन कान्हा को भी माना जाता है तो आपको मैं कुल मिला बता दूं कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया भी ना कि किपलिंग की द जंगल बुक किस नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड है तो 100 परसेंट गारंटी से बता रही हूं ये दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि लिखित प्रूफ रिटर्न प्रूफ इस चीज का कहीं भी नहीं है कि रुडार किपलिंग की बुक कौन से नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड है ये सिर्फ बातों में है ओके ये सिर्फ किस्सों में है लेकिन रिटर्न प्रूफ इसका कहीं भी नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा भी तो या तो आपको ऑप्शन में पेंच मिलेगा या कान्हा मिलेगा दोनों में से जो भी मिले उसको टिक कर देना दोनों एक साथ हंड्रेड नहीं मिलेंगे बिकॉज जो आंसर फुल प्रूफ नहीं है तब तक तो उसको एग्जाम में नहीं दिया जाता ठीक है दोनों ही सही दोनों ही गलत वडेवर चलो So, अब आते हैं हम आ, स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज नेशनल पार्क्स कवर करने में देखो टोटल 104 नेशनल पार्क मैंने बताए हम सारे स्टेट मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सब लेते हुए 90 प्लस नेशनल पार्क्स कवर करेंगे छोटू मोटू छोड़ दिए हैं सात आठ दस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं नाइनटी थ्री नाइन्टी फोर हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में ठीक है सो तो आपका सारा काम हो जाएगा करना क्या है रिलैक्स होकर के बैठिए और जो मैं इमेजिनेशन करवाती जाऊंगी टाइम टू टाइम सब कुछ खिचड़ी नहीं बनाएंगे हम जहां जरूरत होगी वहीं निमोनिक्स डालेंगे लेकिन उसको बस इमेजिन करते चलिएगा एक विजुअल इमेज दिमाग में दिखा दीजिएगा जब मैं बोलूं तब और कुछ नहीं कर रहा है ठीक so है चलो सो स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के साथ में दो यूनियन टेरिटरीज हमारी प्यारी प्यारी है ना ये रही ये पूरा पिंक वाला हिस्सा आपको दिख रहा है लद्दाख का जम्मू एंड कश्मीर का दिख रहा है पहले नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं एरिया मैंने डाल दिया है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है आप कभी पढ़ो तो कंपेरेटिव स्टडी कई बार जिज्ञासा हो जाती है सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, तो यू कैन मेक आउट ओके जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं दचिगम नेशनल पार्क बोलते जाइएगा एक बार याद करने से पहले एक बार वर्ड्स के साथ दोस्ती होना बहुत जरूरी है किश्तवर नेशनल पार्क किश्तवर नेशनल पार्क ये हो गए जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम बात करें लद्दाख की तो हेमिस नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क के बारे में क्या पढ़ा था लार्जेस्ट इन इंडिया एंड लार्जेस्ट इन साउथ एशिया ठीक है चलो अब ये तो इनको दे दी याद भी करना है तो अभी याद भी कर लेते हैं फटाफट से लद्दाख याद नहीं करवाऊंगी लद्दाख पे रट जाना चाहिए हम्म चलो अब देखो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क दचिगम और किश्तवर तो सिटी फॉरेस्ट को और क्या कहा जाता है सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली ही इज अ वेरी ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड्स को स्टडी करने वाले ऑर्निथोलॉजिस्ट uh, हैं इनके ऊपर ये नाम रखा गया है तो देखो सलीम अली एक मुस्लिम नेम है और हमारे मुस्लिम बाहुल्य जो भाई बहन रहते हैं जो मेजोरिटी uh, रहती है वो कहाँ रहती है जे के में रहती है तो इससे आप एसोसिएशन कर सकते हो सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है ठीक है दचिगम और किश्तवर इसके लिए पहले इधर आ जाओ अगली स्लाइड पे आई एम Still not used to using this board. हाँ चलो सबसे पहले देखते हैं किश्तवर नेशनल पार्क यहां पर ये यह पढ़ रहा है अब आज मैंने पीडीएफ मोड ले लिया है तो मुझे हर बार ना ये दिक्कत आएगी ये रहा किश्तवर ये जे एन के में ही पढ़ रहा है इधर ही पढ़ता है ठीक है इस जगह पे ही आएगा वहां तक नहीं जाना है आपको सो so, किश्तवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ के फेमस जो यू नो फोना फोना है यानी कि जो वाइल्ड लाइफ मिलती है यहां पे वो है स्नो और ब्राउन बेयर ब्राउन बेयर तो आप जानते हो भूरा भालू ठीक है और स्नो क्या है अभी मैं आपको दिखा दूंगी ठीक है तो एक हो गया किश्तवर अभी याद भी करेंगे हट जाओ भाई हट जाओ दूसरा आ गया हेमिस नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है ये हमने देख लिया स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है किन के लिए स्नो लेपर्ड्स के लिए लद्दाख वाला एरिया स्नो लेपर्ड ये भी आपको ध्यान रखना है अभी याद हो जाएगा डोंट वरी दशिगम नेशनल पार्क अभी श्रीनगर में पड़ता है श्रीनगर ऐसा नहीं पूछा जाता स्टेट ही पूछा जाता है अब ये मैंने आपको क्यों दिखाया कि देखो दशिगम का जो मीनिंग होता है ना वर्ड का मीनिंग वो होता है टेन विलेजेस दस गाँव दशिगम दस, दस ग्राम या दस गांव और ये शायद इसलिए रखा होगा क्योंकि जब वो नेशनल पार्क घोषित किया होगा उस एरिया को तो वहां से दस गांव को शिफ्ट किया गया होगा कहीं पर रिलोकेट किया गया होगा तो अब ये जो आप दचिगम याद करोगे ना इसके लिए आई डोंट थिंक सो आपको किसी ट्रिक टेक्निक की जरूरत पड़नी चाहिए दचिगम दस गांव कहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के रिलोकेट किए थे फटाफट से पिक्चर बना लो दो मिनट लगते हैं ठीक है किश्तवर हम याद कर लेते हैं किश्तवर के लिए ऐसे देख सकते हो देखो हम जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्क में सारा काम ना किश्तों पे होता है क्योंकि पता नहीं आज से पांच साल बाद दस साल बाद क्या सिचुएशन रहे जे में कितना यू नो कोई कानून बदल जाए कुछ हो जाए तो सारा काम वो लोग किश्त में करते हैं किश्त से किश्तवर याद रहेगा ठीक है तो कौन कौन से नेशनल पार्क देखे सलीम अली नेशनल पार्क हमने देखा दक्षिगम देखा दस ग्राम से और किश्तवर सारा काम किश्त में करते हैं जेएनके में सारे लोग या नेशनल पार्क में सारे लोग क्यों क्योंकि पता नहीं है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर सकते थोड़ा वॉलिटेलिटी बनी रहती है वहां पे है ना बहुत सधी हुई चीजें अभी नहीं हुई हैं ओके एंड अब आ जाते हैं हम इस पे राइट व्हाट इज दिस देखो हम नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं अगर बायोडाइवर्सिटी देखते नहीं चले ना तो मजा ही नहीं आएगा सिर्फ पढ़ लिया नाम पढ़ लिए रट लिए या टेक्निक से याद कर लिए और उसके बाद कहानी खत्म तो मजा ही नहीं आएगा राइट सो यू मस्ट नो स्नो कॉक कोई एक नई बर्ड है कैसी दिखती है ये है स्नो कॉक ओके स्नो कॉक कहाँ मिलता था कौन से नेशनल पार्क में किश्त इसको भी किश्त में खाते होंगे खा नहीं सकते तो नेशनल पार्क में सॉरी नहीं खा नहीं सकते इसको पर अब याद रह जाएगा है ना स्नो कॉक को किश्त में खाते होंगे नहीं खाना है नेशनल पार्क के अंदर है ये प्रोटेक्टेड है बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है चलो और स्नो लेपर्ड ये रहा जो हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है ठीक है पिक्चर दिख गई सेटल हो जाएगा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आई होप मुझे बहुत पसंद है टॉपिक बायोडाइवर्सिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज ओके क्वेश्चन क्वेश्चन टाइम क्वेश्चन है आपके लिए इसका आंसर इसी वीडियो में मिलेगा लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि आप जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता सके मैं वीडियो रिलीज होने के आधे घंटे तक कौन घंटे तक आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ रिस्पॉन्ड करती हूँ जल्दी से कमेंट करोगे तो मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ सो क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे सोन चिरैया भी कहते हैं गोडावन भी कहते हैं वो कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है इंडिया के कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है ठीक है जल्दी से कॉमेंट करके बताओ ज्यादा टाइम मत लेना आगे बढ़ रहे हैं हम चलो अब हम आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश पे हिमाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जल्दी से पढ़ लेते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क इंदर किला नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क खीर गंगा नेशनल पार्क ये पांच इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं पढ़ लिए चलो अब हमें याद करना है हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश के लिए हमेशा हमारी टेक्निक क्या होती है हिमाचल से हिमालय अपन लेते हैं है ना ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क नाम में हिमालय आ रहा है तो हिमाचल से एसोसिएट हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है ठीक है ऊंचाई पर तो ये तो सीधा याद हो जाएगा अब देखो अगर आप में से कुछ लोग गए होंगे हिमाचल तो खीर गंगा ट्रैक होता है कसौल के आसपास के एरियाज में होता है है ना तो अगर आप कभी खीर गंगा ट्रैक पे गए हो या सुना है तो आप ये भी सीधा याद कर सकते हो नहीं सुना तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं मेट्रिक दे रही हो सिंबल बाड़ा इंदर किला पिन वैली और खीर गंगा के लिए छोटी सी एक सीक्वेंस है फटाफट से दिमाग में बिठा लो देखो हम किसी भी चीज को फतेह करते हैं या जीतते हैं तो उसको पिन डाउन करते हैं ना या तो उस पर कुछ फ्लैग लगा देते हैं या परचम फहरा देते हैं या फिर कुछ निशानदेही कर देते हैं ना सो तो इसी तरह से पिक्चर बनाओ सिम्बा आला अरे आला सिम्बा आला वो वाला सिम्बा ठीक है सो सिम्बा किला पिन करके खीर खा रहा है अब ये तो मैंने एक सेंटेंस बता दिया इसको जल्दी से दिमाग में बिठाना है सिम्बा पिक्चर बन गई रणवीर सिंह की सिम्बा किला अब ये किला कौन सा है कॉन्सेप्ट देखो ये चढ़ रहा होगा हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क में और वो ऊंचाई पे है तो चढ़ते चढ़ते ऐसा लग रहा है जैसे किला चढ़ रहा हो और जैसे ही पूरा पहुंच गया वो नेशनल पार्क पे तो उसने उसको पिन डाउन कर दिया पिन डाउन यानी वहां पे अपना ठप्पा लगा दिया कुछ निशानदेही कर दी सो सिम्बा किला पे पिन करके अब बैठ गया ना थक गया तो खीर खा रहा है ऊपर नीचे कर दो वर्ड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है सिम्बा पिन डाउन कर रहा है किले को फिर खीर खा रहा है सिम्बा किले को पिन डाउन कर रहा है फिर खीर खा रहा है चार की हमारे आने चाहिए वो पिक्चर से आ जाएंगे सिम्बा किला दिख गया पिन कर दिया उसने और खीर खा रहा है ठीक है ये पिक्चर दिख गई चारों अब फटाफट सिम्बा से सिम्बलवाड़ा हो गया किला से इंदर किला पिन से पिन वैली और खीर से खीर गंगा याद हो गए और वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सीधे याद है ओके चलो मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट ओके 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 थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है भाई हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली आप लोगों के लिए जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया डाल दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे कोई वीडियो चाहिए क्या कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर बहुत ज्यादा डिमांड आएगी तो लेकर के आ जाएंगे वीडियो ठीक है रामसर साइट्स ला रहे हैं जल्दी से बिकॉज डिमांड थी काफी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बताइएगा चलिए मूविंग ओवर टू उत्तराखंड ओके नाउ उत्तराखंड के जल्दी से हम देख लेते हैं नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन कौन से पता है जल्दी से बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पता ही होगा जो उत्तराखंड में रहते हैं उनको तो सब पता होगा ये वाला तो अगर आप अपने स्टेट के पढ़ रहे हो पहले से पता है तो किसी ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है राइट जो टेक्निक मैं दे रही हूं मैं ये मान के दे रही हूं कि आप उस स्टेट को बिलोंग नहीं करते हो हाँ तो जो टेक्निक लेनी हो लेना जो नहीं लेनी हो छोड़ देना ओवरलोड मत करना। सो जिम नेशनल पार्क हम यार टेक्निक से नहीं करेंगे, आपको होना चाहिए, में है. Right. अब, last, park, कहां पड़ता है आप मुझे बताओगे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए थे आपने और मैंने पांच प्रयाग भी पूछे थे वो भी बिल्कुल सही बताए थे विष्णु नंदकर्ण रुद्रदेव प्रयाग थे सारे विष्णु प्रयाग नंद है ना प्रयाग प्रयाग लगा लो विष्णु नंद कर्ण देव रुद्रदेव सो so, रुद्रदेवीज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है वैसे तो अब पता हो जाना चाहिए जिनको नहीं पता मैं अभी याद करा दूंगी तो अब ये फटाफट देख लेते हैं ये हम चार याद कर लेते हैं अब देखो नंदा देवी नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए पूरे माउंटेन्स कर चुके हैं फिजिकल फीचर्स कर चुके हैं नहीं पता तो अब गांठ बांध लो इस चीज की ठीक है नंदा देवी उत्तराखंड वैसे भी नहीं पता तो देखो देवी देवताओं के बहुत सारे हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में बहुत मंदिर हैं तो उत्तराखंड में आप बिठा सकते हो नंदा देवी को अब देवी का मंदिर है तो एक भगवान का भी होना चाहिए तो गोविंद जी का हमने मंदिर यहाँ पे बना लिया हाँ अब देवी देवताओं के मंदिर अधिकतर कौन बनाते हैं राजा महाराजा लोग बनवाते थे पुराने टाइम में तो राजा जी नेशनल पार्क आ जाएगा और देवी देवता और राजा महाराजा को फूल चढ़ाए जाते हैं फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स आ जाएगा ठीक है उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत से कहानी शुरू करो देवी है नंदा देवी तो एक भगवान तो हमने क्या बिठा दिया गोविंद गोविंद से हो जाएगा गोविंद पाशु विहार ठीक है अब राजा ने बनवाया होगा तो राजा जी हो गया और फ्लार्स चढ़ाते तो वैली ऑफ फ्लार्स ओके नथिंग टू पैनिक इन दिस चलो अब जल्दी से इनकी प्लेसिंग देख लेते हैं या इनके बारे में कुछ एडिशनल पढ़ लेते हैं ये जो आपको दिख रहा होगा मुझे बार बार मार्किंग करनी पड़ेगी दिस इज जिम कॉर्बिट राइट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि पहले इसका नाम क्या था 1936 में जब ये खुला था हाली नेशनल पार्क इसको कहते थे फर्स्ट इन इंडिया बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ओके okay? टाइगर और भी जगह पाए जाते हैं ऐसा नहीं है लेकिन दिस इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर दैट देन यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में मतलब द डेंसिटी इज क्वाइट गुड दर इसको रीनेम किया गया था 54-55 में राम गंगा नेशनल पार्क के तौर पे लेकिन वापस नाम चेंज करके 55-56 में कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था ओके एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अंडर में आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम में ये कवर किया गया है एंड ये इंपॉर्टेंट है ये चीज देख लो फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव ठीक है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ था टाइगर रिजर्व्स एंड ऑल दैट टाइगर के संरक्षण के लिए सो दिस वॉज फर्स्ट यू नो प्रोटेक्टेड एरिया जिसको कि टाइगर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के तहत कन्वर्ट किया गया था ठीक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑल राइट देन ये रहा वैली ऑफ फ्लावर्स सो वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली और पिथौरगढ़ में पड़ता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंपल चलो क्वेश्चन ऐसे इन इतनी उन चीजों पे नहीं आएंगे डिस्ट्रिक्ट पे कोई नहीं पूछेगा ईयर पे कोई नहीं पूछेगा बट हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है आप में से कुछ जिज्ञासु बच्चे हो तो पढ़ सकते हो मूविंग ओवर टू उत्तर प्रदेश होके चलो भाई उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश इज दी मिल्क कैपिटल बोल दो या हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन वाला स्टेट है हमारे कंट्री में तो उसी से मिलता जुलता है इसके नेशनल पार्क का नाम है दुधवा हाँ सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन उत्पादन यही होता है तो नेशनल पार्क भी दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है उत्तर प्रदेश में है याद हो गया उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क अब देख लो दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है टाइगर इंडियन राइनस और रायनसौर यानी गेंडे और लेपर्ड तेंदुए ये यहाँ पे पाए जाते हैं नथिंग मच चलो आ जाओ बिहार पे हम्म बिहार में भी वन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वो कौन सा है वाल्मीकि नेशनल पार्क तो अब इसको कैसे याद रखें देखो वाल्मीकि जी पता है आपको सीता माता को जिन्होंने शरण दी थी जब उनको अयोध्या से निकाल निकाल दिया गया था है ना तो वाल्मीकि जी हर किसी को नहीं लेते थे सबको बाहर कर देते थे कुछ ही कुछ को अंदर लेते थे तो बाहर अधिकतर कौन कर देता था अपनी अपने आश्रम से वाल्मीकि तो बिहार से बाहर ले सकते हो बाहर कौन करता है वाल्मीकि तो आंसर हो गया वाल्मीकि नेशनल ओके okay, अब इसमें कोई खास बात हो तो फटाफट से देख लेते हैं एटीन टाइगर रिजर्व है अभी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित कर दिया गया है जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे कभी तो देख लेंगे और इस ईयर में बना था इतना एरिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है चलो अब आ जाते हैं झारखंड पे ठीक है झारखंड में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट या जो नेशनल पार्क आता है वो है बेतला

बेटला नेशनल पार्क और 86 में बना था इतना है ये है वो ये सब तो छोड़ो अब ये देख लो 1974 में पालामू टाइगर रिजर्व के तौर पे भी डेवलप किया गया है उसका कुछ एक एरिया तो पलामू देखो हम पलते बढ़ते ही ऐसे बेत से पिटाई खाके ही पलते हैं तो पालामू इससे आप याद रख सकते हो ठीक है पकड़ते जा रहे हो सारी चीजें याद होती जा रही है मस्जिमिंग हो रही है चलो मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज वेस्ट बंगाल जल्दी से नेशनल पार्क देख लेते हैं सुंदरबन तो आपको पता ही होगा सुंदरबन नेशनल पार्क आपको पता ही होगा है ना पढ़ा है कई बार सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा और बंगाल टाइगर के लिए ये भी जाना जाता है दूसरे नेशनल पार्क देख लो सिंगलीला आ, लीला सिंघोलीला अगर बंगाली में ऐसे ही बोलते होंगे शायद सिंघोलीला है ना आई एम सो सॉरी मुझे आती नहीं प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड हाँ गोरुमारा नेशनल पार्क न्यूरा वैली नेशनल पार्क बक्सा नेशनल पार्क और जल्दपारा नेशनल पार्क ये वन टू थ्री फोर सिक्स सिक्स नेशनल पार्क है जिसमें से एक ही हमको आता है तो ये पांच हमको याद करने हैं ठीक है थीके? अब या तो आप इंडिविजुअली याद कर लो वेस्ट बंगाल के लिए हमारा पिक्चर क्या होगा बंगाली बाबू बंगाली बाबू की पिक्चर बन जाती है ना वो पुराने मूवीज में अशोक कुमार ने अच्छे से हमारे दिमाग में पिक्चर बना रखी है बंगौरी बाबू की तो अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल कर सकते हो देखो बंगालीज गाने में बहुत अच्छे होते हैं सिंगिंग में तो सिंग लीला ठीक है बंगाली वाइट, वाइट वाइट या गोरा गोरा आ, क्या खाते हैं रौशोग्ला गोरा रोशोग्ला खाते हैं तो गोरू गोरू मारा हो सकता है है ना बंगालियों को आ, जल्दी से पारा चढ़ जाता है है ना तो जल्द पारा जरूरी नहीं है चढ़े हम तो याद कर रहे हैं नहीं तो आप इन सबको एक सिंपल सी मैं स्टोरी दे रही हूँ उसमें बांध लो इमेजिन कर लो अभी के अभी याद हो जाएगा चलो विजुअलाइज करते हैं एक बंगाली सिंगर है धोती कुर्ता उड़ता और वो एकदम पान वान खाते हुए टिपिकल सा है ना होते नहीं है ऐसे पर हम टिपिकल वाला ही एज्यूम करेंगे सो एक बंगाली सिंगर है उसने अभी एक नया नया न्यू न्यू गोरा सा बक्सा खरीदा है है ना उसमें अपना सामान अमन रखता होगा न्यू गोरा सा बक्सा खरीदा है अगर कोई भी उस बक्से को हाथ लगाता है तो उसका जल्दी से पारा चढ़ जाता है बस यही है कहानी पिक्चर बना लो एक सिंगर है और उसने एक न्यू सा एकदम गोरा सा वाइट वाइट सा ना गोरा सा बक्सा खरीदा है और उसको कोई भी हाथ लगा रहा है तो उसका जल्दी से पारा चढ़ जाता है बाबू बंगाली होना चाहिए तभी बंगाल के याद रहेंगे तो बस देखो बंगाली सिंगर है तो सिंगलीला हो गया गो तो गोरू मारा न्यू से न्योरा और बक्सा से बक्सा नेशनल पार्क और कोई भी हाथ लगाता है तो जल्दी से पारा चढ़ जाता है तो जल्द पारा ठीक है चले आगे ओके देख लो सुंदरबन के बारे में जो कि मैंने कोई टेक्निक से याद नहीं कराया रामसर साइट है 2019 से बायोस्फेयर रिजर्व है और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व में शामिल ऑलरेडी बहुत टाइम से है चलिए मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट स्टेट स्टेट विच इज ओडिशा सर्दियों का मौसम चल रहा है हाँ तो दो पहले तो नेशनल पार्क पढ़ लो फिर बता दो कैसे याद करना है कौन से दो नेशनल पार्क हैं जल्दी से हम पढ़ते हैं और वो हैं भीतर कनिका नेशनल पार्क भीतर कनिका भीतर समझते हैं अंदर आना भीतर आना है ना भीतर भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिंपली पाल नेशनल पार्क दो नेशनल पार्क है तो अब देखो सर्दियों का मौसम में आप फ्रेंड्स लोग मिलकर के और नेशनल पार्क घूमने जा रहे हो और एक इंसान ना भीतर ही भीतर अपने सिमटे जा रहा है समझते हो भीतर यानी सिकुड़ना अपने ही भीतर घुसे जा रहा है तो दूसरा फ्रेंड बोलता है भाई ये क्या है क्यों भीतर सिकुड़ रहे हो सिंपल सी बात है कुछ ओढ़ लो गरम कुछ गरम ओढ़ लो ठीक है बस इतना सा सीन है कुछ नहीं और भीतर मत घुसो कुछ ओढ़ लो सिंपल सा सजेशन है सिंपल सा सोल्यूशन है So, भीतर से भीतर का निका सिंपल से सिंपली पाल और ओड लो उड़ीसा ओड से उड़ीसा कर सकते हो ठीक है so, सो ये हो जाएंगे उड़ीसा के कौन से हो गए सिंपली पाल और भीतर कनेका ओके सो आफ्टर उड़ीसा मूविंग ओवर टू राजस्थान राजस्थान के जल्दी से नेशनल पार्क देख लेते हैं ओके okay, सो so, सबसे पहला जो है दैट इज डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क पार्कलाडियो नेशनल पार्क जिसको हिंदी में केवला देव नेशनल पार्क भी बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स या दर्रा नेशनल पार्क ठीक है अब आ, चलो पहले याद करते हैं फिर आपसे जो पहले क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर यहीं कहीं छुपा हुआ है कौन सा क्वेश्चन किया था मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि यानी की, यानी कि कि गोडावन पक्षी या फिर सोन चिरैया पक्षी कहां पाया जाता है उसका आंसर राजस्थान में ही छुपा हुआ है कौन सा नेशनल पार्क अभी नहीं बता रही हूं देखेंगे चलो पहले राजस्थान के नेशनल पार्क याद कर लेते हैं देखो डेजर्ट नेशनल पार्क है डेजर्ट आ रहा है तो राजस्थान आ गई सीधा याद हो रहा है चलो ठीक है रण थम्बोर जो राजस्थान के उनको तो पता होगा बाकियों के लिए करवा रही हूं देखो रण थम्बोर यानी जो रण में रण में जो लड़ते हैं वो राजस्थान का गौरव माना जाता है ना रण में सर दे देंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं या हारेंगे नहीं तो रण में सर देने वाले राजस्थान में ही मिलेंगे है ना रण यानी युद्ध भूमि तो रणथंबोर में रण आ गया सरिस्का में सर आ गया तो रणथंबोर और सरिस्का दोनों राजस्थान से हो गए किो लाडियो नेशनल पार्क या केवला देव और मुकुंद्रा हिल्स बची मुकुंद्रा हिल्स वैसे तो इस नाम से आपको ये नेशनल पार्क पता हो जाएगा अगर आपको पता है मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान नहीं तो कोई बात नहीं केवला देव है ना तो हमने बोला केला देव केला केला है ना केला दे क्यों क्योंकि नेशनल पार्क में घूम घूम के रेगिस्तान की मिट्टी में गर्मी में पूरे मुंह की रौनक चली गई है मेरे जैसा मुंह हो गया है ठीक है तो थोड़ा केले का मसाज वसाज करूं मुंह ठीक करूं है ना मुंह एकदम कुंदरू जैसा हो रखा है मेरा ओके सो मुकुंदरा हिल्स केला दे मुंह को ठीक करना है तो केला दे से केवला देव और मुंह से मुकुंदरा आप हिल्स याद रख सकते हो छोटे से हिंट की जरूरत है बाकी तो याद हो जाएगा तो ये सारे याद हो गए डेजर्ट है ना और रण में सर तो रणथम्बोर और सर इसका और केला केवलादेव केवला देव या केवला देव और मुसे मुकुंदरा हिल्स ओके okay? अब आते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर पे ये है गोडावन पक्षी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कहा पाया जाता है ये पाया जाता है डेजर्ट uh, नेशनल पार्क यानी कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में और ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये पूरे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर हेमिस ये सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ओके okay? और एक और नेशनल पार्क की खासियत देख लो बहुत ब्यूटिफुल बर्ड्स हैं ये मैंने देखी अपनी आंखों से वेंट टू केडियो नेशनल पार्क ये है साइबेरियन क्रेन्स ओके रेयर है साइबेरियन क्रेन्स और होम माना जाता है इनका केय नेशनल पार्क तो केवलादेव नेशनल पार्क में ये पाई जाती है और केवला देव नेशनल पार्क को पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था ओके सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड 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 साइबेरियन ठीक है राजस्थान हो गया अब चलते हैं गुजरात की तरफ तो गुजरात में तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं पहला है पहला तो जो बहुत फेमस है वो देख लो गिर नेशनल पार्क ओके गिर नेशनल पार्क उसके बाद है वंसदा नेशनल पार्क और तीसरा है यहां पे ये वेलवदार, ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलवदार या वेलवदार जैसे भी आप पढ़ना चाहो ठीक है तो गिर वंशदा और वेलवदार, और ये तीनों कहाँ के हैं गुजरात के हैं तो जल्दी से एक स्टोरी में बांध लेते हैं इनको ठीक है अब देखो अगर आपके वंश का या आपके परिवार का कोई वेल में गिर जाए है ना एक जनरल सी बात मैं आपसे कर रही हूँ कि अगर परिवार आपके नहीं आपके नहीं सॉरी आपके परिवार का नहीं मेरे परिवार का भी नहीं किसी के परिवार का अगर कोई वेल में गिर जाए और वो आखिरी यू नो पीढ़ी हो तो एकदम वंश खत्म ना है ना वेल में अगर कोई गिर जाए और गुजर जाए बाहर नहीं आए गुजर जाए तो वंश खत्म तो आप देखो इससे बस हमें याद रखना आई नो बहुत सैड स्टोरी है बट आई एम रियली सॉरी इमोशंस जब कनेक्ट हो जाते हैं ना याद अच्छा होता है ठीक है तो देखो अगर किसी के परिवार का व्यक्ति वेल में गिर कर गुजर जाए गुजरात से गुजर जाए है ना गुजर जाए तो वंश खत्म हो जाता है वंशदा को वंशदा भी बोलते हैं वैसे तो, तो बस इसी से हमें याद रखना है वेल से ये आ गया हमारा वेलवदार और गिर से गिर आ गया गुजर से गुजरात हो जाएगा और वंश से वंशदा या वंशदा ठीक है अब देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है गिर उसके बारे में गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको शासन गिर भी बोलते हैं गिर ओके okay? शासन होता है ना जैसे लायन का सिंह का इसी तरह से इसको शासन गिर समझ लीजिएगा याद कर लीजिएगा ठीक है और एरिया वगैरह दिया हुआ है यहां की खास बात क्या है एशियाटिक लायन जो बब्बर शेर होता है ना बहुत सारे जिसके हेयर होते हैं फेस पे है ना सो so, एजियाटिक लायन यहाँ की खास बात है चलिए ओके सो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया जो इंस्टा पे आपको क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर मिल गया अब ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है और हम पार्ट वन ऑफ नेशनल पार्क यहीं पे रोक रहे हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो गया रिटेंशन कम हो जाता है 35-40 मिनट से बड़ा एक वीडियो एक सिटिंग में आपको पढ़ना नहीं चाहिए इसलिए बहुत ही जल्दी सेकेंड पार्ट लेके आएंगे सारी चीजें रेडी हैं बस रिकॉर्ड करके हम अभी तुरंत ले आएंगे बाय टो ओके सो तब तक के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा के नम दफा या नम दफा ठीक है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और जितना पढ़ाया उसको स्टोर कीजिए थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो करिए रिकॉल करके देखिए और जल्दी से मिलते हैं पार्ट टू में जिसमें बचे हुए सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करने वाले हैं ठीक है टेक केयर सी यू सून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन ऑल द सोशल मीडियाज एंड जो आपको ये पी है वो एक ही कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेगा और जब तक सेकेंड पार्ट आएगा तब तक वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका होगा ठीक है टेक केयर बाय बाय हैव है नाइस डे